हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल. वेलकम ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. प्लीज ज्वाइन द सेशन. वेलकम इन द सेशन. काइंडली कंफर्म स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल और नॉट, एक बार कंफर्म कर दें ताकि सेशन को मैं स्टार्ट कर सकूं. चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का सेशन. काइंडली कंफर्म स्टूडेंट. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. प्लेडाइस के राहुल ठाकुर, शीतल धातीवाल, सभी का स्टूडेंट स्वागत है इस हमारे सेशन में, लाइव सेशन में. आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेशन पर डिस्कस करेंगे. पिछले एक साल का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिविजन है उस पर हम चर्चा करेंगे. बट एक बार मुझे कंफर्म कर दें स्टूडेंट कि मैं मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं, तभी मैं स्टार्ट सेशन करूं. हाँ जी, चलिए ऑडिबल हैं तो शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का सेशन. ये हमारा वन ईयर करंट अफेयर सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, रिवीजन है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल प्रीलिम्स एग्जाम में एचपीएस के जो है देने जा रहे हैं. तो उनके लिए एक बहुत अच्छा कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है. साथ ही साथ अदर स्टूडेंट्स भी इसे सुन सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारा स्केड्यूल है क्लासेस का, ठीक है. ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे कब कब क्लासेस हैं. डेली आपका सेशन होगा 10:15 बजे. तो अभी तक हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल जो है ये लेक्चर हम दो टॉपिक्स पे ले चुके हैं. साइंस एंड टेक आज हम डिस्कस करेंगे, देन डिफेंस, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, सभी टॉपिक्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट 10:15 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी. डेली आपने सेशन के साथ जुड़ जाना है. शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. सो द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नेम ई सांता इज लॉन्च्ड टू, ऑप्शन ए स्टूडेंट कनेक्ट एक्वा फार्मर्स एंड द बायर्स, बी प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू रूरल स्टूडेंट्स, सी फैसिलिटेट द फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया, डी ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन द पावर सेक्टर. काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? ई सांता. ई सांता जो है किससे संबंध है ये स्कीम? गौरव शर्मा एक्वा फार्मर्स बता रहे हैं, पहाड़ी ब्लॉग ए, अक्षय कुमार, शीतल धातीवाल, काजोल, शिवाली राणा, ठीक है. मैक्सिमम सभी का आंसर ठीक है, ठीक है. एक्वा फार्मर्स एंड द बायर्स. तो बहुत ही ये फाइन इनिशिएटिव लिया गया है. हमारे मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया. स्पेशली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेटफॉर्म, वी कैन से दैट, कि जो एक्वा फार्मर्स हैं आपके, उनको सही एक मार्केट मिलना चाहिए. देखिए, अब ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ना, इसने एक रेवोल्यूशन ला दिया है. अब आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोकल रीजनल नहीं रह गए हैं, इवन नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक आपके जो है प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन माध्यम से अपने सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बहुत सी और फैसिलिटीज जो हैं आपको प्रोवाइड करा सकती हैं. सेम इन द केस विद ई सांता, ये जो आपका इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है. चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आदित्य L1 मिशन. It is India's first scientific expedition to study the sun. It will be launched using the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV. It will be placed in Polar Sun Synchronous Orbit. कौन सी स्टेटमेंट स्टूडेंट इसमें सही है, आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. Kindly answer students. Question number 2. Consider the following statements. हाँ जी, डी बता रहे हैं सभी. 1, 2, 3 तीनों ही सही बता रहे हैं. मैक्सिमम का आंसर डी ही है. देवाशीष चौहान, निखिल, साहिल ठाकुर, ऑल ऑफ यू आर सेइंग डी. चलिए स्टूडेंट, लेकिन डी जो है आपका सही आंसर नहीं है. सिर्फ फर्स्ट दो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं आपकी, ठीक है. कि ये भारत का पहला साइंटिफिक एक्सपीडिशन होगा टू स्टडी द सन, ठीक है, और इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा जो है भेजा जाएगा. 2022 के मिड में इसे लॉन्च किया जाएगा. स्टूडेंट्स, बहुत ही फाइन कह सकते हैं ये स्टेप लिया जा रहा है. एक ऑब्जर्वेटरी सेट की जाएगी जिसके माध्यम से सन की एक्टिविटीज को जो है एग्जामिन किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा. आउटर कोरोना कैसा है, सोलर एमिशन, सोलर विंड्स के कंटेक्स्ट में, या एटमोस्फेयर जो है सन का वो किस प्रकार का है, ये तमाम जानकारियां
इस आदित्य एल मिशन के तहत हमें उपलब्ध होंगे। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विद रेफरेंस टू द पाइथन 5 मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज फिफ्थ जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल। इट इज डेवलप्ड बाय इजरायली डिफेंस कंपनी रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम। हाँ जी स्टूडेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पाइथन 5 मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। मनु ठाकुर सी, राजेंद्र सी, राहुल, नेहा, स्वाति, सभी का आंसर सी है, बोथ 1 और 2। बिल्कुल सही स्टूडेंट, सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिफ्थ जनरेशन पाइथन 5 से ही अंदाजा आपको हो गया था, ठीक है, नहीं हुआ तो होना चाहिए। और दूसरा है इजरायली डिफेंस कंपनी रफाल एडवांस डिफेंस ने इसे बनाया है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये भी। और एयर टू एयर बेसिकली हम कह सकते हैं ये मिसाइल सिस्टम है, बेसिकली इसे जो हमारे एयरक्राफ्ट है उनमें इंस्टॉल किया जाएगा और 20 किलोमीटर तक की रेंज इसकी रहेगी, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वेपनरी जो है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट इज द एक्सपोर्ट गोस्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली। ऑप्शन ए क्रिप्टो करेंसी, बी मालवेयर, सी लॉन्च व्हीकल, डी कोविड वेरियंट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपोर्ट गोस्ट क्या है भाई? ये बहुत खबरों में रहा था भी पीछे, एक्सपोर्ट गोस्ट। स्वाति बी बता रही हैं, मालवेयर, नेहा, अक्षय, शीतल, राहुल, सभी का आंसर जो है स्टूडेंट मालवेयर ही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही, मालवेयर है बेसिकली। एक्सपोर्ट गोस्ट खबरों में अभी पीछे रहा था, बहुत से नेशंस में स्पेशली चाइना और यूएस में बहुत ज्यादा हार्मफुल इसका प्रभाव हमें देखने को मिला। आईफोन और आईपैड जो है या डिफरेंट आपके जो इलेक्ट्रॉनिक एप्स होते हैं उनको ये हैक कर रहा था बहुत आसानी से, ठीक है, और बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इसकी वजह से, फेस करनी पड़ी है। बहुत से आईओएस जो यूजर्स हैं, तकरीबन 128 मिलियन आईओएस यूजर्स को जो है इससे प्रभावित रहे हैं, स्पेशली चाइना और यूएस में 55% चाइना में इसका प्रभाव हमें देखने को मिला और 18 मिलियन जो हैं तकरीबन लोग यूएस में से सफर हुए हैं, ठीक है। मालवेयर हम सभी समझते हैं स्टूडेंट, ठीक है, मालवेयर जो है एक प्रकार का आजकल जैसे पेगासस आया था, ठीक है, स्पाईवेयर, मालवेयर्स, ये किसी भी आपके गैजेट में जो है आपके किसी भी ऐप के माध्यम से या किसी और जरिए से एंटर कर जाते हैं और सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी आपकी प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्रू वन इज एसोसिएटेड विद विच एजेंसी। क्रू वन स्टूडेंट्स, इंडियन आर्मी, स्पेसएक्स, इसरो और नासा। क्वेश्चन नंबर 5, हां जी राहुल ठाकुर कह रहे हैं ये सिर्फ आईओएस डिवाइसेस से ही संबंधित है। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, क्रू वन, सभी का आंसर बी आ रहा है। देवाशीष शर्मा, पहाड़ी ब्लॉग, राहुल, विकास, नेहा, प्लेडाइस के, एएसटी, ऑल ऑफ यू आर सेइंग से, सभी का आंसर बी है, तो बी बिल्कुल सही है। क्रू वन जो मिशन है ये आपका स्पेस एक्स कंपनी, एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, उनकी कंपनी है और स्पेस टूरिज्म में बहुत ज्यादा आगे काम कर रही है। तो अभी इनके द्वारा क्रू वन ड्रैगन कैप्सूल जो था एक मिशन भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है, तो वो वापस आया है, सक्सेसफुली लैंड किया है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ठीक है, तो कह सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और लगातार वहां पर जो है यहां से कुछ एस्ट्रोनॉट्स को टाइमली भेजा जाता है जो वहां पर कुछ रिपेयरिंग का काम करते हैं, कुछ नई चीज एक्सप्लोरेशन करना है स्पेस में, तो एक स्टेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अभी इसलिए क्रू वन जो है वो खबरों में रहा, एक कैप्सूल जो है क्रू वन ड्रैगन कैप्सूल स्पेस एक्स द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च्ड एवा चैट बॉक्स चैटबॉट ऑन सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल टू सपोर्ट द विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। काइंडली आंसर स्टूडेंट, आईसीआईसीआई बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी एक्सिस बैंक एंड डी यस बैंक।
ठीक है। चैटबॉट बेसिकली एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो हम चैट्स करते हैं बेसिकली हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस के माध्यम से ऑनलाइन चैट कन्वर्सेशन करने के लिए। ठीक है, सो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? अक्षय बता रहे हैं बी, सभी का आंसर बी ही आ रहा है। नेहा, विकास, अक्षय, राजेंद्र, पूजा, धर्मपाल जी ये बता रहे हैं, बाकी सभी का आंसर तकरीबन बी ही है। शम्मी ठाकुर सी बता रहे, देवाशीष, निखिल, गौरव, ऑल ऑफ यू आर सेइंग, ठीक है जी। सो बेसिकली बी बिल्कुल सही, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर ने एक चैटबॉट एवा नाम का लॉन्च किया है जिसके माध्यम से विलेज लेवल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सहायता प्रोवाइड करा जाएगी 24/7, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। कोई भी उनको लोन से संबंधित है जानकारी लेनी है या डिफरेंट नई जो स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं बैंक्स द्वारा टू बूस्ट द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, विलेज लेवल में, तो ये कह सकते हैं बहुत ही रूरल इंडस्ट्री को बूस्ट करने में काम करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी का ये ख्वाब था कि रूरल इंडस्ट्री भारत में ज्यादा बूस्ट हो इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आज हमें देखने को ज्यादा मिल रहा है, रूरल इंडस्ट्री और उसमें भी कॉटेज इंडस्ट्री ज्यादा बूस्ट हो, ठीक है। तो इस प्रकार के जो स्टार्टअप्स हैं कहीं ना कहीं मदद करते हैं। रूरल रीजन में सबसे बड़ी समस्या फंडिंग की ही आती है और दूसरा नॉलेज नहीं होता कि भाई किस सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करें। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, विच एरोस्पेस कंपनी हैज अनाउंस्ड द डॉज 1 मिशन टू द मून? स्पेसएक्स, बी ब्लू ओरिजिन, सी नासा, डी जाक्सा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। गौरव शर्मा 7 का ए बता रहे हैं, अभिषेक, अमित, सभी का आंसर ए है, शीतल धातीवाल, फिटनेस क्लब, नेहा, चले सभी का आंसर ए ही है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स ने डोज 1 मिशन जो है उसे पहला ये मिशन बनेगा, मून मिशन जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। अब ये डोज मिशन है क्या स्टूडेंट, थोड़ा सा इसकी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं। हम सभी जानते हैं बिटकॉइंस का आने वाला समय जो है बिटकॉइंस का होने वाला है और बहुत से नेशंस, बहुत से लोग जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2008 के आसपास जो था बिटकॉइंस चलन में आ गए थे, हालांकि इट विल टेक टाइम, बट 2013 में मार्कर्स जो हैं आपके, हाँ जी स्टूडेंट कोई सवाल? हाँ, इट्स अ क्रिप्टो करेंसी बेसिकली स्टूडेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, 2013 में बेसिकली इसे एक मीम की तरह इस्तेमाल किया गया था, एक बेसिकली बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बना दी गई बिटकॉइन की तरह, ठीक है, लेकिन एक मीम की तरह, कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं था। बट ग्रेजुअली ये था, इसको प्रमोशन मिलने लगा, स्पेशली जो एलन मस्क है इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, बहुत बार अपनी ट्वीट्स में इसका जिक्र कर देते थे, ठीक है। एंड फाइनली अब जो है ये घोषणा की गई है कि इसमें जो भी फंडिंग होगी वो डॉज आपके क्रिप्टो करेंसी में ही की जाएगी। अब आप देखेंगे ये डॉग की इमेज क्यों है, अब ये डॉज का संबंध इस डॉग से नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली ना एक जापानीज डॉग है और ये बहुत जगह एक्चुअली मीम्स की फॉर्म में इस्तेमाल होता था, एंड फ्रदर ये जो इस कॉइन की शेप में आपका बिटकॉइन डॉज 1 के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें इसको एक लोगो की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसका नाम है शिबा इनू, शिबा इनू डॉग है ये बेसिकली जापानीज डॉग, बहुत ही एक्टिव स्पीसीज है ये, ठीक है। सो ये बेसिक इसका बैकग्राउंड था जो आपको जरूर पता होना चाहिए। और अब स्पेस में हम कह सकते हैं जो फंडिंग की जाएगी, इन्वेस्टमेंट होगा स्पेस टेक्नोलॉजी में, डोज आपकी क्रिप्टो करेंसी में किया जाएगा, ये एलन मस्क ने प्रमोट किया है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो मून मिशन होगा डोज 1 का उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, MACX 1407 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेसिस्टिंग वेराइटी ऑफ सोयाबीन। क्लोजेस्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड टू द मिल्की वे गैलेक्सी। वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर डिवेल्प बाय एप्पल। न्यू मिसाइल डिवेल्प बाय DRDO इंडिजिनियसली। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। अक्षय, विकास, अक्षय कुमार, लवली गर्ग, ठीक है, सभी ए ही आंसर कर रहे हैं, सोयाबीन बता रहे हैं भाई।
ठीक है ठीक है, सभी का आंसर ठीक है, सभी आंसर यही कर रहे हैं, देवाशीष, पहाड़ी, शम्मी, अजय, साहिल, काजल, बिल्कुल सही। सो ये बेसिकली हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेसिस्टिंग वेराइटी ऑफ सोयाबीन, ठीक है। तो बहुत ही उम्दा ये कह सकते हैं कि इन्वेंशन किया गया है MACS अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा, और इस पे कोलैबोरेट किया है इंडियन काउंसिल इन एग्रीकल्चर रिसर्च, जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। तो ये आपके पेस्ट रिसिस्टेंट आपका है सोयाबीन। हम जानते हैं बहुत ही रिचेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का, जो भी वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा सोयाबीन होता है, लेकिन पेस्ट रिसिस्टेंट है ये, इसकी एक कह सकते हैं खूबी है। साथ ही साथ पर हेक्टेयर जो है ये 39 क्विंटल्स का प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं इस फील्ड में है। अब कहाँ इसे कल्टीवेट किया जा सकता है ये भी जानना जरूरी है स्टूडेंट्स। सो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, या आपका जो झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, यहां पर जो है कह सकते हैं कन्वीनियंट एनवायरमेंट है इसके प्रोडक्शन के लिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। SIIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट SLRI चेन्नई हैज इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर एंड पायरोलिसिस पायलट प्रोजेक्ट। इंडिया हैज पार्टनर विद विच कंट्री? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी चाइना, डी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर क्वेश्चन नंबर 9। आंसर करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है स्क्रीन पे। राजेंद्र सी बता रहे हैं, देवाशीष चौहान बी बता रहे हैं, 9th का सी, 9th का ए बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना बताया जा रहा है स्टूडेंट्स। नेहा बी, मिक्स आंसर आ रहे हैं स्टूडेंट ये आप, ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो बेसिकली स्टूडेंट राइट आंसर इज जर्मनी। जर्मनी ने इस सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एक ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया है जिसके माध्यम से जो है बायोचार बनाया जा सकता है, या चाकोल इसको बनाया जा सकता है, जो फर्दर इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हम कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में, स्पेशली स्मार्ट सिटीज जो हमारी बन रही हैं वहां पर इसे जो है इनिशिएट करने की बात चल रही है। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द मीर कैट टेलीस्कोप विच वॉज यूज रिसेंटली इन द डिस्कवरी ऑफ मिली सेकेंड पल्सर्स इज लोकेटेड इन? ऑप्शन ए चाइल्ड, बी साउथ अफ्रीका, सी इंडिया, डी यूएसए। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। और ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाना है स्टूडेंट हमारे इस सेशन के साथ, आपने डेली ये सेशन जरूर अटेंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस क्लब कह रहे हैं जी बफरिंग हो रही है स्टूडेंट, इज देयर एनी टेक्निकल इशू? आप फेस तो नहीं कर रहे कोई? काइंडली कंफर्म। बाकी किसी का आ नहीं रहा वैसे कंप्लेन, और डी ही सभी का आंसर है। शम्मी ठाकुर जी ये बता रहे हैं, यूएसए बता रहे हैं, ठीक है, और चाइल बता रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट बी साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। सो साउथ अफ्रीका मैं का ये इज द राइट आंसर। और ये क्या है मिली सेकेंड पल्सर्स क्या है स्टूडेंट, उस पर भी बात करते हैं। एक बार मुझे कंफर्म कर दे स्टूडेंट, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा, किसी बच्चे ने कंप्लेन की है? चले आगे बढ़ते हैं, नहीं कंप्लेन कर रहा कोई भी। चलिए स्टूडेंट फिर आपका कोई पर्सनल इश्यू होगा, किसी को अगर दिक्कत आ रही है, क्योंकि बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं बता रहे हैं। चलिए सो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे मिली सेकेंड पल्सर स्टार्स हैं क्या बेसिकली, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी आपके मैसिव स्टार्स जो हैं वो मूव करते हैं और उनके फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो स्टार्स कोलैप्स कर जाते हैं, और उनके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और डेंस ऑब्जेक्ट की फॉर्म धारण कर लेते हैं, ठीक है।
तो उन्हें बेसिकली मिली सेकेंड आपके पल्सर स्टार्स कह दिया जाता है। तो इसे जो है मी कैट टेलीस्कोप के माध्यम से अभी देखा गया है, और तकरीबन बहुत ही न्यूट्रॉन स्टार्स भी स्टूडेंट से कहा जाता है, बहुत ही डेंस ये होते हैं, तो बहुत रेयरली ही ये विजिबल होते हैं, तो इसीलिए खबरों में ये रहे बेसिकली। द कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन और सिटी स्कैन, ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। स्कैन यूजेस डैश टू ऑब्टेन एक्यूरेट इमेजेस ऑफ द बॉडी फॉर डायग्नोस। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, बफरिंग हो रहा है, सभी कह रहे हैं जी। लेट मी चेक स्टूडेंट्स, जुड़े रहे हैं आप, जाइएगा मत कहीं, लेट मी चेक वंस कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आप देख पा रहे हैं। एक बार मुझे कंफर्म कर दें स्टूडेंट, एक बार फिर, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो डाउन हो गया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। काइंडली कंफर्म स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल अगेन और नॉट, सो दैट आई कुड स्टार्ट द सेशन। एक बार कंफर्म कर दे स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल और नॉट, ऑल ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, कोई कई बार दिक्कत आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है हमने अभी डिस्कस किया वो आपका है डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑडिबल है ना स्टूडेंट, चलिए। सो सिटी स्कैन अभी खबरों में इसलिए रहा स्टूडेंट कि कोविड पेशेंट्स बहुत से ऐसे निकल कर आए जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट होने के बाद बावजूद भी जो है उनमें सिम्टम्स पाए गए। ठीक है, और कई ऐसे पेशेंट थे जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं पाया गया है बट फर्दर डायग्नोज किया गया है उनको एज अ कोविड पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट्स को सजेस्ट किया गया कि वो सिटी स्कैन भी करवाएं, इसलिए खबरों में रहा। और ये फुल फॉर्म के कंटेक्स्ट में मैंने आपसे सवाल पूछा है बेसिकली। ठीक है, इन जनरल तो ये करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो इसकी एब्रिवेशन है ये एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, और एक्सरेज का बेसिकली इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, काइंडली आंसर। रिसेंटली टियाने स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल हैज बीन लॉन्च्ड इन स्पेस थ्रू व्हाइट रॉकेट। ऑप्शन ए रॉकेट 1B, रॉकेट 3B, रॉकेट 5B, रॉकेट 7B। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगर अभी किसी को दिक्कत आ रही है तो आप एक बार रीस्टार्ट करें। ठीक है, आप जिस भी डिवाइस पे ये वीडियोस देख रहे हैं एक बार रीस्टार्ट करें, तो कई बार हो जाता है इंटरनेट इश्यूज। बाकी तकरीबन सभी आंसर कर रहे हैं, 12th का सी बता रहे हैं। ठीक है, रॉकेट 5B जो बिल्कुल सही, टियाने स्पेस स्टेशन बेसिकली जो है उसमें रॉकेट 5 का इस्तेमाल किया गया है स्टूडेंट्स। अभी बेसिकली ये टियाने क्या है और ये क्या इसका मॉड्यूल है, देखिए चाइना अपना एक अलग जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है, जो इंटरनेशनल अभी स्पेस स्टेशन है उसमें बहुत से नेशंस का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, लेकिन अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है वो चाइना अकेला बना रहा है। ठीक है, तो अभी 11 फेजेस में अलग अलग मॉड्यूल्स जो है इसके तहत तैयार किए गए हैं, इसे हेवनली हार्मनी भी नाम दिया गया है, कई बार ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो किस रॉकेट का इस्तेमाल इसके लिए इसमें किया गया है, वो है आपका F5B रॉकेट। तो जितना भी आप कह सकते हैं सामान पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, जो भी इस्तेमाल किया जाना है, ठीक है, या फूड सप्लाई है, तमाम चीजें जो है स्टेशन में भेजी जा रही हैं, और 11 कह सकते हैं मॉड्यूल्स में मिशन, 11 मिशन इसमें जो है भेजे जाएंगे। सो ये बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच फेमस एस्पर्जर सिंड्रोम। ऑप्शन ए एलन मस्क, बी जेफ। एलन मस्क बता रहे हैं जी, स्वाति प्लेडाइस, आस्था,
एलन मस्क, स्टूडेंट सभी एलन मस्क ही बता रहे हैं। सो बेसिकली बिल्कुल सही है, एलन मस्क इज द राइट आंसर। ठीक है, स्पेसएक्स के जो बिलियनर हैं, टेस्ला कंपनी भी के मालिक भी हैं ये, तो इनका रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि भाई एस्पर्जर सिंड्रोम इनको है। ठीक है, ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है जो बेसिकली सोशल रिलेशनशिप बनाने से कहीं ना कहीं बच, ठीक है, उसको बेसिकली एस्पर्जर्स सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। तो उसमें एलन मस्क को भी रखा गया है, और ज्यादातर ऐसे लोगों का नाम इसमें आ जाता है या सफर करते हैं सिंड्रोम से, स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम ना आइसोलेशन में बिताते हैं या अपने काम में ज्यादा बिजी हैं, सोशल लाइफ जिनका ऑलमोस्ट खत्म। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14? आंसर करें स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर क्वेश्चन नंबर 14। याओगेन सेटेलाइट रिसेंटली सीन इन न्यूज, मंगोलिया बता रहे हैं जी, मिक्स आंसर आ रहा है, मंगोलिया बी। ठीक है जी, प्लेडाइस के सी आंसर कह रहे हैं कोरिया। सो स्टूडेंट्स जो आपका सही आंसर है ए है चाइना। चाइना देखिए कितना एक्सेसिवली हम कह सकते हैं आगे बढ़ रहा है साइंस एंड टेक की फील्ड में। तो चाइना ने अभी रिसेंटली चैंगशी 2C रॉकेट को लॉन्च किया है, सिंगजैंग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से, और यहां से इन्होंने याओगेन सेटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट आंसर करते रहे। तो ये जो सैटेलाइट है स्टूडेंट, ये बेसिकली साइंटिफिक आपके एक्सपेरिमेंट्स, लैंड सर्वे, ठीक है, या आपके इन्वायरमेंट से जो जितने भी कंसर्न्स हैं उनकी स्टडी के लिए ये यांगन सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं। बहुत सी पहले ऐसे ही यांगोन सैटेलाइट्स लॉन्च की जा चुकी हैं, ठीक है, चाइना द्वारा। चलिए स्टूडेंट ये जरूर आपको पता होना चाहिए क्या है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। नासा साइंड एन एग्रीमेंट रिसेंटली टू सेंड द फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू स्पेस विद विच कंपनी? ऑप्शन ए स्पेसएक्स, बी ब्लू ऑरिजिन, सी एक्सियोम स्पेस, डी नंबर 15। स्टूडेंट्स नासा साइंड एन एग्रीमेंट रिसेंटली फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट, स्टूडेंट माफी चाहेंगे बफरिंग अगर हो रही है तो, इसे तो नहीं होना चाहिए, अभी तो नहीं हो रहा आई थिंक स्टूडेंट्स। फिफ्टींथ का ए आ रहा है, स्पेस एक्स बता रहे हैं, मैक्सिमम स्पेस एक्स आंसर आ रहा है आपका स्टूडेंट। एक्सियोम कुछ आंसर एक्सियोम भी कर रहे हैं अक्षय राजेंद्र, तो स्टूडेंट्स मिस द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही फाइन ये इनिशिएटिव लिया गया है बेसिकली। ठीक है, इसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, पहला इस प्रकार का, ये दुनिया का पहला फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन होगा। जनरली जो भी एस्ट्रोनॉट आते हैं वो गवर्नमेंट ऑथराइज होते हैं, ठीक है, ये प्राइवेट, देखिए कहीं ना कहीं स्पेस टूरिज्म को भी तो बढ़ावा मिल रहा है ना, और एक आज हम बात कर रहे हैं स्पेस टूरिज्म की, तो इसमें बेसिकली जो है एक्सियोम एस्ट्रोनॉट्स विल बी स्पेंड 8 डेज, 8 एक्टिविटीज में यहां पार्टिसिपेट भी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चले, तो इस प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है वोएजर 1 सीन रिसेंटली इन द न्यूज वॉज लॉन्च्ड इन, ऑप्शन ए 1977, सी 1976, डी 1987। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स,
कोई बात नहीं स्टूडेंट, लेट मी चेक। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली कन्फर्म मी वंस अगेन कि आप मुझे सुन पा रहे हैं अब कि नहीं। अभी पूरा सिस्टम मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है, तो एक बार कन्फर्म कर दें स्टूडेंट फाइनली, ताकि मैं सेशन स्टार्ट कर पाऊँ। चलिए स्टूडेंट रीस फिर से स्टार्ट करते हैं। पीछे से ही कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, उसे तो नहीं आना चाहिए था। इंटरनेट फास्ट ही है, पर आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, वॉयेजर वन सीन रिसेंटली इन द न्यूज वॉज लॉन्च इन, ऑप्शन ए 1977, बी 1978, 1976, 1987। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप कोई दिक्कत ना आए आपको सेशन में। स्टूडेंट दिस इज समथिंग इज नॉट इन अवर हैंड टू, हमारे भी हाथ में कोई चीज नहीं होती है, हालांकि कोशिश ये कि दिक्कत ना आए आपको कोई। ऑनलाइन क्लासेस का जो एक डिसएडवांटेज है वो सबसे बड़ा यही है। मिशन था तकरीबन पूरा लगा चुका है आपका, वॉयेजर टू जो है अभी रिसेंटली नासा इसको भी लॉन्च करने की बात कर रहा है स्टूडेंट्स। हाँ जी आंसर करते रहे स्टूडेंट्स काइंडली। और फिर से जुड़ जाएं सेशन के साथ। ठीक है, सो स्टूडेंट स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर वन जो है ये तकरीबन जो है आपके सभी प्लैनेट्स जो है गैसियस प्लैनेट्स हैं, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उनको भी ये जो है स्टडी मतलब क्रॉस कर चुका है, इतनी दूर तक गया। और अभी खबरों में रहा कि कुछ इमेजेस जो हैं, होरिजोन नामक का जो हमारा स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, सैटेलाइट भेजी गई थी, उसने कुछ पिक्चर्स आपकी खींच कर भेजी हैं इसकी, ठीक है, आपके वॉयेजर की, तो जिसे प्रमाण मिलता है कि कब ये लॉन्च किया गया था और कहाँ तक ये पहुँच गया है। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, जूस और जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर इज अ स्पेसक्राफ्ट दैट विल गो ऑन टू स्टडी थ्री जुपिटर सैटेलाइट्स, यूरोपा, गैनेबेडे एंड कैलिस्टो। द मिशन इज अंडरटेकन बाय नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा से रोस्कोस्मो को बोल सकते हैं, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जैक्सा। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? जूस और जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर इज अ स्पेसक्राफ्ट जिसको स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है थ्री जुपिटर सैटेलाइट, यूरोपा, गैनेबेडे एंड कैलिस्टो। तो किसके द्वारा इसे भेजा जा रहा है? आंसर करेंगे स्टेस। हां जी सो डी बता रहे हैं, मैक्सिमम डी एंड बी आपके आंसर आ रहे हैं। 17 का ए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। चले सो बी बिल्कुल सही है, आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ये इनिशिएटिव, ठीक है। और इसमें बेसिकली स्टूडेंट आपकी जो सैटेलाइट्स हैं जुपिटर की, हम सभी जानते हैं ये गैसियस किया जा रहा है। जनरली ये कुछ एविडेंसेस ऐसे पहले मिले हैं कि भाई ये जो आपकी सैटेलाइट्स हैं आपकी जुपिटर की, यहां पर वाटर आइसी रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द सिमोरगढ़ सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सिमरोग सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन है इजराइल, बी सऊदी अरेबिया, सी ईरान, डी जॉर्डन।
हाँ जी स्टूडेंट्स काइंडली आंसर, सो सी आंसर कर रहे हैं सभी, ईरान इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, सिमरो जो है ये बेसिकली एक एक बहुत बड़ा पक्षी है, फिनिक्स है जिसका नाम है, और उसी के नाम पर इस सुपर कंप्यूटर को नाम दिया गया है। ईरान का ये पहला सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले ईरान जो है बाहरी देशों की मदद लेता था, और उससे कई बार जो है उनकी नेशनल सिक्योरिटी भी ब्रीच होती थी। तो फाइनली जो है अपने अपना खुद सुपर कंप्यूटर ने बना लिया है। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 0.56 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओकेनोज एक्सप्लोरर सीन रिसेंटली इन न्यूज इज टू एक्सप्लोर एंड मैप द ओशन फ्लोर, टू टेक द फर्स्ट ड्रोन फ्लाइट इन द मार्टिन एटमोसफेयर, टू वेरीफाई द न्यू हाइट्स ऑफ माउंट एवरेस्ट, एंड डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओकेनोज एक्सप्लोरर तो 19 का ए बता रहे हैं स्टूडेंट, टू एक्सप्लोर एंड मैप द ओशन फ्लोर। ठीक है, सभी का आंसर तकरीबन सही है। अक्षय, स्वाति, शीतल, रीता, विकी, गौरव, गीतांजलि, मिताली, आस्था, आस्था डी बता रही है। ठीक है, नन ऑफ द अबव, लेकिन ए जो है स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर है। अभी रिसेंटली जो है ओकिनोस एक्सप्लोरर एक शिप जो है ये नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जो हैडल जोन है, हैडल जोन वो आपका ओशन फ्लोर रीजन होता है स्टूडेंट्स, जो अनएक्सप्लोर्ड है, जहां पर अभी ज्यादा बहुत ज्यादा रिसर्च काम वर्क जो है आपके हैडल जोन में भी जाके, जो वहां की हाइडर्ट जो कह सकते हैं पोर्टेबल टेस्टिंग, अ न्यूली इन्वेंटेड टेस्ट फॉर कोविड इज डैश बेस्ड टेस्ट। ऑप्शन ए सलाइवा, बी ब्लड, सी स्वेट, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 20 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स, ब्लड, सो मैक्सिमम बी बता रहे हैं, ब्लड बता रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन ए जो है सलाइवा इज द रिबल, आपका कोविड किट है एक तरीके की, जिसमें सलाइवा टेस्ट के माध्यम से आसानी से ये एग्जामिन किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति कोविड पेशेंट है या उसमें कोई कोविड पेशेंट के सिम्टम। क्विक रिजल्ट है, आधे घंटे में इस पोर्टेबल आपके डिवाइस की माध्यम से जो है टेस्ट किया जा सकता है, रिपोर्ट आ जाएगी। पॉइंट इज क्लियर। तो यूएस ने इसे बिल्ड किया, और बेसिकली है ये आरएनए से पहले डीएनए को बनाता है, और फिर देन डीएनए के हिसाब से मेडिसिन बनाई जाती है। व्हाट इज क्लियर स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, केप कैनवरल ऑफन सीन इन न्यूज इज अ फेमस केप इन अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड मेडिटेरियन सी। केप कैनवरल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मैं माफी चाहूंगा, देखिए मैं 2 बार रिस्टार्ट कर चुका हूं, पीछे से ही कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, आप मेरे हाथ में नहीं है, अदरवाइज मैं जरूर ये कर पाता आपकी मदद। मैं एप्लीकेशन क्लोज करके फिर ऑन कर चुका हूं, पूरा सेट मैंने रिस्टार्ट किया है, और अभी मैं सेशन छोड़ के कंप्लेन करने नहीं जा सकता हूं। आई होप कि सुन आपकी समस्या ठीक हो जाए, बहुत ही अगर ज्यादा दिक्कत होगी आप बिल्कुल ही नहीं देख पाएंगे, देन मैं बिल्कुल ही स्टार्ट कर दूंगा सेशन दोबारा से। ठीक है, सो हाँ जी स्टूडेंट आंसर करते रहे, बी बिल्कुल सर जी टेक्निकल टीम को बता दिया है। ठीक है, कंप्लेन भी हो गई है, डोंट वरी अबाउट दैट, तो मैंने पहले ही कर दिया स्टूडेंट, बट अभी इमीडिएट आप सभी जानते हैं कि भाई हमारे यहां पे काम सरकारी काम जो होते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, वो भी इमीडिएट तो रिस्पॉन्ड करती नहीं है ना।
सो आई डोंट नो हाउ मच टाइम विल इट टेक कि भाई कंप्लीटली आपका सेशन स्मूथली स्टार्ट हो सके। आई होप कि दिक्कत ना आए आपको कोई, अभी कंप्लेन वैसे कर दी गई है, टेंशन ना लें आप। सो स्टूडेंट ए जो है अटलांटिक ओशन इज द राइट आंसर। ठीक है, जब तक सही चलता है तब तक चलने दीजिए सेशन को, जब ज्यादा ही समस्या आ जाएगी देन वी विल स्टार्ट अगेन, डोंट वरी, या अलग टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। सो अभी बेसिकली स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है, अगर मैं क्वेश्चन देख लूं, हाँ जी, यहां पर बेसिकली स्टूडेंट यूनाइटेड लॉन्च एप्लीकेशन जो है Atlas V रॉकेट के माध्यम से केप कैनिवल स्पेस फॉर्म स्टेशन से जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सिस्टम। इसलिए खबरों में रहा ये जो केप है, ये इसीलिए न्यूज में रहा है। ठीक है, इट इज इन फ्लोरिडा। स्टूडेंट्स ये जो सिवरिस है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक इंफ्रारेड सिस्टम है जिसकी मदद से मिसाइल वार्निंग या बैटल शिप पर के कोई अटैक होता है उसकी सही टाइम पर आपको जानकारी जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। पॉइंट इज क्लियर। एक तरीके से ये आपका स्पेस ट्रैकिंग एंड सर्विलेंस सिस्टम है कि अगर स्पेस में कोई अटैक होने का खतरा होगा तो उसे बचाने में सहायता करेगा। चलिए स्टूडेंट अगला सवाल, विच स्पेस एजेंसी अमाउंटेड दैट इट विल स्पेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट वाइपर ऑन मून इन 2023। हाँ जी स्टूडेंट्स काइंडली आंसर। 22 का सी बता रहे हैं नासा, सभी सी बता रहे हैं, फिटनेस क्लब जाक्सा बता रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर सेइंग सी, नासा ही सभी का आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, नासा बिल्कुल करेक्ट भी है आंसर। तो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ठीक है, 2030 में 23 तक ये पहला आपका फर्स्ट मोबाइल रोबोट जो कि मून पर भेजा जाएगा, इस प्रकार का पहला इनिशिएटिव होगा, स्पेशली द डार्केस्ट साइड ऑफ द मून। ठीक है, जो आपका माना जाता है अनएक्सप्लोर्ड है, डार्केस्ट साइड है, यहीं पर जो हमारा चंद्रयान गिरा था वो यहीं पर गिरा था, तो वहां पर सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, स्पेशली अगर कोई वाटर के ट्रेसेस हैं या आइस के कुछ सैंपल्स मिल सकते हैं या एटमोस्फेयर इस रीजन का कैसा है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ये एक लूनर मिशन है स्टूडेंट्स। वाइपर की भी फुल फॉर्म कई बार पूछी जा सकती है एग्जाम में स्टूडेंट, ये भी ध्यान रहे। सो वोलाटाइल इन्वेस्टिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है। ठीक है, और 2023 में बेसिकली ये भेजा जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, स्टारलिंग प्रोजेक्ट सैटेलाइट इंटरनेट प्रोग्राम इज अंडरटेकन बाय विच प्राइवेट स्पेस कंपनी? सियरा निवेदा कॉरपोरेशन, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ऑरिजिन एंड स्पेस एक्स। काइंडली आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। शीतल बी बता रही हैं, लवली गर्ग बी बता रहे हैं, वर्जिन गैलेक्टिक। हां जी डी आंसर आ रहा है स्टूडेंट, स्पेसएक्स। ठीक है, जिन जिन का आंसर स्पेसएक्स है स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली 60 स्टारलिंक जो आपकी ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स हैं इनको लॉन्च किया गया है एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स द्वारा। ठीक है, सो ये बेसिकली 13th स्टारलिंक लॉन्च था जो 2021 में भेजा गया है। इससे पहले बहुत से स्टारलिंक सैटेलाइट्स के लॉन्च किए जा चुके हैं। ये बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है, और आपकी जो लोअर अर्थ बीट ऑर्बिट है, लियो है, वहां पर ही इसे भेजा जाता है। ठीक है, इट विल हेल्प अलॉट जो कनेक्टिविटी है, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा ये मदद करेगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। NGC 691 सीन रिसेंटली इन द न्यूज, स्पाइरल गैलेक्सी, पोटेंशियल हैबिटेट प्लैनेट 50 लाइट ईयर्स अवे, मेट्रियोट एंड डी एस्ट्रॉयड।
जी 691 सीन रिसेंटली इन द न्यूज। हाँ जी स्टूडेंट, आंसर कर ए आ रहा है सभी का आंसर, ए एन डी। ठीक है तो स्टूडेंट ये आपकी स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है, नासा हबल टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई है ब्यूटीफुल पिक्चर स्पाइरल गैलेक्सी की, जिसका नाम रखा गया है एनजीसी 691। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है, सो ये भी ध्यान रखेंगे आप, कई बार ऐसे सवाल भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली स्पाइरल गैलेक्सी बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो है कई बार बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस इसकी हमें देखने को मिलती हैं, स्पाइरल इन शेप, इसलिए इसको स्पाइरल गैलेक्सीज कह दिया जाता है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। सीएसआईआर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे हैज रिसेंटली लॉन्च स्वस्ति का न्यू टेक्निक फॉर कंबैटिंग एयर पॉल्यूशन, क्योरिंग कोविड, डिसइंफेक्टिंग वाटर एंड चेक ऑन फूड अडल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 25। एसटीसी बता रहे हैं डिसइंफेक्टिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स, नेहा प्लेडाइस के, शुभम, स्वाति, शीतल, लवली, अक्षय का भी आ रहा है आंसर क्योरिंग कोविड। बाकी तकरीबन सभी का आंसर जो है वो सी ही है और देवाशीष का भी आंसर भी है। स्टूडेंट जिन जिन का आंसर सी है बिल्कुल करेक्ट है, डिसइंफेक्टिंग वाटर बहुत ही फाइन ये इनिशिएटिव लिया गया है सीएसआईआर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के माध्यम पुणे में है जो है उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, स्वस्तिक टेक्निक इसको नाम दिया गया है। इसमें बेसिकली नेचुरल ऑयल्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करके जो है पानी को प्यूरिफाई किया जाएगा, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर किया जाएगा। एज वी ऑल नो दैट देयर भारत में वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत बढ़ रही हैं, लगातार केसेस वाटर बॉर्न डिजीजेस के बढ़ रहे हैं, एंड देयर शैल बी अ प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर। अब उसके लिए जो है हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें आपके, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे प्लांट्स में, नेचुरल ऑयल्स में, ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके जो है इसे बनाया जाएगा एंड देन फर्दर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो बहुत फाइन हम कह सकते हैं ये इनिशिएटिव है, हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द टर्म आर्टेमिस अकॉर्ड इज एसोसिएटेड विद प्रोग्राम फॉर लॉन्चिंग ह्यूमंस टू मून, स्टडिंग इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पोल्स, मैपिंग ओशन फ्लोर ऑफ अटलांटिक ओशन, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26 स्टूडेंट्स, सो लॉन्चिंग ह्यूमन टू मून, ए आंसर है शुभम का, गौरव मून मिशन बता रहे हैं, नॉट भी नहीं बता रहे हैं, लड़ाईस के ए, देवाशीष चौहान ए, साहिल ठाकुर ए, सभी का आंसर है लॉन्चिंग ह्यूमन टू मून। आर्टेमिस अकॉर्ड स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अकॉर्ड है ये, ठीक है, पहले 1977 में इस पर बात की गई थी, देन फाइनली इन 2020 से साइन किया गया है। इसमें बहुत से देश जो है अपनी सहभागिता दे रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए, जो भी इसके सिग्नेचरी मेंबर्स होंगे उनके स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो है सहायता की जाएगी, भी न्यूजीलैंड जो है इसका पार्ट बना है, इसलिए खबरों में रहा। और आर्टेमिस अकॉर्ड के तहत अमेरिकन लेड ये मूवमेंट है बेसिकली, और ये टारगेट रखा गया है कि रीलॉन्च किया जाएगा ह्यूमंस को 2024 तक चांद पे, मून पे। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। एमबी टैग इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डाटा लॉगर हैज बीन डेवलप बाय आईआईटी रोपड़, आईआईटी बॉम्बे, आईजर मोहाली, आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, आईआईटी रोपड़, 27 का ए बता रहे हैं रोपड़ जी, रोपड़ बता रहे हैं सभी, लवली, आईआईटी रोपड़, पहाड़ी ब्लॉक रोपड़, मिथाली शर्मा, नेहा अत्री, प्रियंका राणा ए, साहिल, पहाड़ी ब्लॉक, विकी, सभी का आंसर यही है आईआईटी रोपड़, और बिल्कुल सही भी है स्टूडेंट। एमबी टैग जो है ये आईआईटी रोपड़ द्वारा बनाया गया एक बहुत ही फाइन डिवाइस है, इसके माध्यम से स्टूडेंट्स जो भी एक बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कैटेगरी में आता है, बहुत सी जो आपके आपके पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं या आपके ट्रांसपोर्टेशन होगा वैक्सीन का, ठीक है,
काफी अच्छे तरीके से ब्लड और बॉडी जो आपके ऑर्गन्स होते हैं या पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनको प्रिजर्व करके उनका ट्रांसपोर्टेशन सही टाइम पर किया जा पाएगा। कई बार बहुत होता है, ऐसा होता है ना कि किसी को बॉडी ऑर्गन की जरूरत है किसी और सिटी में, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते जो है वो बॉडी ऑर्गन खत्म हो जाता है। तो ये जो आपका एमबी टैग है इन इन सभी को प्रोटेक्ट करेगा। वैक्सीन का भी जो है इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, बहुत ही फाइन इनिशिएटिव हम कह सकते हैं, स्टार्टअप है ये आईआईटी रोपड़ का। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। नासाज हैज बीन प्लान्ड न्यू रोबोटिक मिशन द विंची प्लस एंड वेरिटास फॉर विच प्लैनेट। ऑप्शन ए वीनस, वी मार्स, सी जुपिटर, डी प्लूटो। क्वेश्चन 28, तो शुभम वीनस बता रहे हैं, फिटनेस क्लब, गौरव, शीतल, सभी का आंसर ए ही है, वीनस। वीनस इज द राइट आंसर, पहाड़ी ब्लॉग, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सही। जिन जिन का आंसर वीनस है बिल्कुल सही, बहुत ही फाइन इनिशिएटिव। देखिए लगातार हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में ना डिफरेंट तरीके से जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत चीजें हो रही हैं, भारत में नहीं, हमारे जितने भी पावरफुल नेशंस हैं और बहुत जो न्यू इमर्जिंग नेशंस है वो भी अपनी अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। तो इसमें तकरीबन इस मिशन पे स्टूडेंट 500 मिलियन की फंडिंग की गई है और तो ये डिसाइड किया गया है 2028 और 30 के बीच में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो ये दो आपके मिशंस हैं, एक है दा विंची प्लस मिशन, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है डीप एटमोस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि जो वीनस का एटमोस्फेयर है वहां किस प्रकार की गैसेस हैं, कैसे फॉर्म्ड हुई हैं, कैसे इवॉल्व हुई हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करना। दूसरा है आपका वेरिटस मिशन, ठीक है, वीनस इमेसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इसकी फुल फॉर्म है। कई बार एग्जाम में यहां से भी ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि जो सरफेस है वीनस का उसकी मैपिंग की जा सके, उसकी इमेजेस को कलेक्ट किया जा सके। तो बहुत ही ये विजनरी कह सकते हैं वीनस प्लैनेट से संबंधित मिशंस हैं, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए, एन ओरल वर्जन ऑफ एम्फ्रोसिन बी यूज टू क्योर पोस्ट कोविड फंगल इंफेक्शन इज डेवलप्ड बाय आईआईटी रोपड़, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। आईटी हैदराबाद बता रहे हैं स्टूडेंट, सभी का आंसर आईटी हैदराबाद ही आ रहा है, ठीक है जी। साहिल, राजेंद्र, स्वाति, शिवाली, नेहा, अक्षय, ऑल ऑफ यू आर सेइंग आईटी हैदराबाद, जो कि सही भी है, ठीक है। तो आईटी हैदराबाद ने बेसिकली टैबलेट्स बनाए हैं और इसका इस्तेमाल अभी कोविड ट्रीटमेंट में भी किया जा रहा है, इसलिए ज्यादा खबरों में है, ठीक है। बेसिकली जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था बहुत सी और डिजीजेस के लिए भी, लेकिन अभी फाइनली इसका इस्तेमाल किया जा रहा है स्टूडेंट, जो कोविड आपकी वैक्सीन बनाई जा रही है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन विच रिसेंटली बिकेम फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी इन द कंट्री टू ज्वाइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए रेलवेज, एयरलाइन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, न्यूक्लियर सेफ्टी एंड ग्रीन एनर्जी। क्या आंसर होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30? तो शुभम का आंसर रेलवे आ रहा है भाई, बाकी भी आंसर करें स्टूडेंट्स। रेलवेज, ए आंसर आ रहा है स्टूडेंट, रेलवेज इज द राइट आंसर, ठीक है।
बिल्कुल सही, सभी का आंसर ठीक है, रेलवे बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट। तो अभी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि एक ही आपके वन नेशन वन स्टैंडर्ड होने चाहिए जितने भी रेलवे स्टेशन हैं। क्यों डिस्पैरिटीज हैं कि कुछ रेलवे स्टेशन बहुत अच्छे हैं, अच्छी फैसिलिटीज हैं, और कुछ स्टेशन में बहुत ही खराब फैसिलिटीज हैं। तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड होना चाहिए स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम है और पूरे देश में फर्दर आने वाले फ्यूचर में से लागू किया जाएगा। ठीक है, जो एक मानक रखे जाएंगे उन्हीं मानकों के आधार पर जो है रेलवे स्टेशन में हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, और ना सिर्फ इस पे अदर सर्विसेज में भी फर्दर इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है आई फेमिलिया सीन रिसेंटली इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंटरपोल, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डी नन ऑफ द अबव। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स। शुभम का आंसर आया है इंटरपोल, मिथाली शर्मा, अक्षय कुमार इंटरपोल बता रहे हैं, मैक्सिमम इंटरपोल ही आ रहा है स्टूडेंट। आपका आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इंटरपोल इज द राइट आंसर। बहुत ही ई फैमिलिया आई फैमिलिया सॉरी ये इनिशिएटिव किया गया है, इसकी एक डेटाबेस है बेसिकली, ये एक ग्लोबल डेटाबेस है स्टूडेंट। इस पे बेसिकली जो मिसिंग पर्सन है उनकी फैमिली मेंबर के डीएनए की मदद से उनकी खोज की जाएगी, एंड इट विल हेल्प अलॉट टू सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ जो क्रिमिनल केसेस है उनको रिजॉल्व करने में। कई बार क्या होता है ना कि किसी के रिमेन्स मिली हैं और पुलिस को ये शक है, इंटरपोल को ये शक है ये कि किसी क्रिमिनल की ये आपकी हो सकती है, तो अगर उसकी बॉडी फैमिली की डीएनए से मैच हो जाता है तो बहुत सी चीजें होंगी, केस रिजॉल्व करने में सहायता मिलेगी, आइडेंटिफाई करने में सहायता मिलेगी। ऐसे बहुत से केसेस निकल कर आए हैं सऊदी अरेबिया में, अभी आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर एक जर्नलिस्ट थे जिनकी बॉडी मिली है, जिनके रिमेन्स मिले हैं बेसिकली। ठीक है, अमेरिकन जर्नलिस्ट थे और सऊदी अरेबिया में उनके रिमेन्स मिले, तो फिर उस पर बवाल हुआ। इसी प्रकार रशिया में ऐसे हुआ कि कई बार जेनोसाइड्स करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत से क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में ये मदद करेगा इंटरपोल के। बिल्कुल, डीएनए मैचिंग टेक्नोलॉजी इन इंटरपोल, एक डेटाबेस बनाया गया है स्पेशली फॉर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल केसेस के लिए बनाया गया। नेक्स्ट है कार्ट टी थेरेपी यूज्ड इन कैंसर इज एक्रोनिम फॉर, कैंसर एंटी रेडिएशन ट्रीटमेंट, कैंसर एंटीबॉडी रिसेप्टर टी सेल, ट्रिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, एंड नन ऑफ द अबव। कार्ट टी थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन सवाल स्टूडेंट, एक नया इन्वेंशन किया गया है आपकी मेडिकल साइंस की फील्ड में। पहाड़ी ब्लॉक बता रहे, हां जी जमाल खशोगी, मुझे नाम नहीं आ रहा था यार, जमाल खशोगी बिल्कुल सही आंसर है, पहाड़ी ब्लॉक जी। बहुत विवाद हुआ था उस मामले पे। सो शुभम बता रहे हैं भाई, सी बता रहे हैं अक्षय, पहाड़ी ब्लॉक, स्वाति, शीतल, गौरव, सभी का आंसर स्टूडेंट सी ही है। ठीक है, किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल बिल्कुल सही, कार्ट टी थेरेपी स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टूडेंट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी बेसिकली आपके कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही फाइन कह सकते हैं टेक्निक है विच विल हेल्प लॉट कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में। हालांकि अभी तक ये टेक्नोलॉजी भारत में नहीं थी, लेकिन अभी आईआईटी बॉम्बे ने एक इसका टेस्ट किया है और सक्सेसफुली कह सकते हैं कि पेशेंट्स पे इसको टेस्ट किया गया और सक्सेसफुली रिजल्ट भी निकल कर आए हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं, ये कार्ट टी थेरेपी है क्या स्टूडेंट। होता क्या है कि जो कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट की बॉडी से ब्लड को लिया जाता है, उसमें आर्टिफिशियल कार्ट जो टी आपके जो आपकी जीनोम्स होते हैं या जेनेटिक्स होते हैं आर्टिफिशियल्स, उनको इंजेक्ट किया जाता है, देन उसको प्रॉपरली मिक्सअप करके अगेन पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स बॉडी में होते हैं पेशेंट की, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ही फाइन, और कीमोथेरेपी से बहुत नुकसान भी होता है बॉडी को, तो एक अच्छा अल्टरनेटिव हम कह सकते हैं ये निकल कर आता है, लेकिन स्टिल वी नीड टू गो लॉन्ग लॉन्ग वे ऑफ इन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडिया। बाहरी देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, भारत में अभी इतना नहीं है, हाँ लेकिन शुरुआत हम कह सकते हैं इसकी हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डिस्कवर अ न्यू वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग कार्बन नानो ट्यूब्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमआईटी, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, आईआईटी बॉम्बे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 33 स्टूडेंट्स,
Which institute recently discovered a new way of generating electricity using carbon nanotubes? MIT बता रहे हैं, लवली गर्ग, शुभम, शीतल, सभी आंसर करें स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ए MIT इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है ये आपका। एंड अब इसमें बेसिकली क्या है, बेसिकली स्टूडेंट इसमें नानो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन नानो ट्यूब्स का, जो जब आपस में जब भी किसी लिक्विड फॉर्म में उनको मिलाया जाता है तो वो बहुत ही शार्पली रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि ये नानो ट्यूब जो है, कार्बन नानो ट्यूब्स हैं, एक फाइन अल्टरनेटिव, एक अदर अल्टरनेटिव हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, प्राण वायु स्वस्थ सीन रिसेंटली इन न्यूज आ कोविड हेल्पलाइंस कोस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम ऑफ LIC डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट्स, सो बी बता रहे हैं कोस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ये जितने भी सवाल मैंने डिस्कस किए ना स्टूडेंट, अगर आप इतने भी पढ़ लोगे सो आई गारंटी की 80% तो पॉसिबिलिटी है यहीं से सवाल आपके आने वाला है। ठीक है, ये बहुत ही चुनिंदा सवाल ही आपके जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्राण वायु एंड स्वास्थ्य, बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। सो अभी विक्रम सारा भाई स्पेस जो स्टेशन है हमारा और इसरो ने मिलकर एक वेंटिलेटर्स बनाए हैं। ठीक है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स हैं। अभी कोविड में देखिए वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, उसकी वजह से बहुत से कोविड पेशेंट जो हैं वेंटिलेटर्स के सहारे जी पा रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जो है वो भी इस पर बिल्ड किया जाएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो मार्केट में अभी हमें वेंटिलेटर्स मिल रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव है, 20-30 लाख रुपया इसकी कीमत है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है कि भाई इन वेंटिलेटर्स को बहुत ही कम कॉस्ट पर 1 लाख जो आपके इसका कंपेयर्ड है, मिनी कन्वेंशनल वेंटिलेटर जो है 5 लाख तक है, और ये जो आपका कॉस्ट इफेक्टिव है ये 1 लाख तक आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मार्केट प्राइस अभी जो है इन वेंटिलेटर्स का वो 25 नहीं था, बेसिकली 5 लाख तक, और 1 लाख जो है मैं आपको सस्ते में ये जो बनाए गए हैं ये वेंटिलेटर्स ये प्रोवाइड करेंगे। इनके नाम है प्राण वायु एंड स्वस्थ। सो ये खबरों में रहा स्टूडेंट, और डिटेल इसके बारे में जरूर पढ़े तीनों के बारे में। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स आर बिल्ट बाय विच कंपनी, ऑप्शन ए बोइंग, बी जनरल डायनेमिक्स, सी राइथियन कंपनी, डी लॉकहीड मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 35, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर स्टूडेंट्स बिल्ड किए गए हैं किस कंपनी द्वारा, डी इज द राइट आंसर, लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने रिसीव किए अभी, ठीक है, 3 सेट ऑफ 24 MH-60 रोमियो। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है स्टूडेंट, इनको आप वॉर टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन डिजास्टर सिचुएशन है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीस कीपिंग मूवमेंट्स के लिए भी इनका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यूएसए से ये डील की थी और अभी जो है इस पे अमल किया गया है, कुछ हमें हेलीकॉप्टर्स मिले हैं, कुछ हम फर्दर डिमांड कर रहे हैं, इसका निर्माण जो है लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है FATEH-1 विच वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड इज द इंडिजीनियस रॉकेट सिस्टम ऑफ विच कंट्री, ऑप्शन ए UAE, बी इसराइल, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। FATEH-1, ठीक है, रॉकेट सिस्टम है स्टूडेंट्स ये, पाकिस्तान। हां जी, सभी का आंसर पाकिस्तान बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट, पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है FATEH-1 रॉकेट जो है, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है स्टूडेंट ये,
सक्सेसफुली किया है, इसका जो रेंज है वो 140 किलोमीटर, ठीक है। सो इस पर कहा कि जो कन्वेंशन वॉरहेड है आपके, उसमें इजाफा हुआ है पाकिस्तान, इसलिए खबरों में रहा ये। नेक्स्ट है 38, विच कंट्री सक्सेसफुल लॉन्च 38 फॉरेन सैटेलाइट्स फ्रॉम 18 कंट्रीज यूजिंग इट्स सोयुजू 2.1 अ कैरियर रॉकेट, ठीक है। चाइना, बी जापान, सी रशिया, डी यूए। क्वेश्चन नंबर 38 स्टूडेंट्स, 38 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है 18 कंट्रीज की सोयुज 2.1 कैरियर रॉकेट के माध्यम से, कौन सा देश है ये? गौरव शर्मा रशिया बता रहे हैं, स्वाति रशिया, प्रियंका ठाकुर सी, ठीक है जी, सभी का आंसर सी ही आ रहा है, रशिया बिल्कुल सही है, ठीक है। पढ़ के आए मुझे लग रहा है आज, कल आपका परफॉर्मेंस सभी का खराब था, तो मुझे लगता है ध्यान दे रहे हैं आप, अच्छी बात है। तो रशिया ने ये बेसिकली सक्सेसफुली टेस्ट किया है, 38 फॉरेन सैटेलाइट्स को भेजा है, इंडिया ने भी भेजा था स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर 2-3 ईयर्स बैक तकरीबन 103 सैटेलाइट्स को इंडिया ने भेजा था, फॉरेन सैटेलाइट जिसमें थी, ठीक है। तो इसे भेजा गया है बेसिकली बेकनूर, ठीक है, कोस्मोड्रोम इन कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से, और 18 देशों का रिप्रेजेंटेशन इसमें, मतलब 18 देशों की सैटेलाइट्स को भेजा गया, तो यही ध्यान में रखना है आपने बेसिकली। चलिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज MK4482 विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? ऑप्शन ए मिसाइल लॉन्चर, बी एंटीवायरल ड्रग, सी सबमरीन, अनमैंड एरियल व्हीकल। 39, क्वेश्चन नंबर 39 स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट, 39 का लवली बी बता रहे हैं, यूए भी बता रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, आपका ये बेसिकली बी है, एंटी वायरल ड्रग MK4482, ठीक है, बहुत ही फेमस ये खबरों में रहा। आंसर करें स्टूडेंट, ठीक है। ये जो ड्रग है स्टूडेंट, ये मदद करता है आपके बेसिकली जो आपकी लेबल है कोविड वायरस का आपकी बॉडी में, उसको कम करने में, लंग्स से कम करने में ये आपका ड्रग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, इसीलिए खबरों में रहा। इसे बेसिकली बनाया गया यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा और पब्लिश की गई थी रिपोर्ट जर्नल में, ठीक है, उसके बाद ये खबरों में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो नई इन्वेंशंस हुई हैं, नई मेडिसिन बिल्ड हुई हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, यहां से सवाल आपके जरूर बनेंगे स्टूडेंट्स। हालांकि हेल्थ का मैं अलग से आपसे एक सेशन जरूर लूंगा अलग से, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम जरूर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली सभी का आंसर तकरीबन ये गलत ही था। विद रेफरेंस टू स्पेस, व्हाट इज लायरिड दैट वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली? एक्सोप्लैनेट, कॉमेट, ब्लैक होल, डी सैटेलाइट। लायरिड स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 40, हाँ जी स्टूडेंट आंसर करें, कॉमेट बता रहे हैं राजेंद्र, स्वाति बी बता रहे हैं कॉमेट, सभी का आंसर बी ही आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बी सही आंसर हो स्टूडेंट, लेकिन हाँ जी आंसर करें, है ना, भेड़ चाल नहीं चलने की, सभी ने आंसर कर दिया, हाँ लेकिन बी ही सही आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। सो द लायरिड आर बेसिकली कॉमेट्स विच आर जो है बहुत ही फेयरली फास्ट ही मूविंग करते हैं, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे ब्लिंकिंग ऑफ द आई बहुत ही फास्ट मूविंग होते हैं, तो इनकी कुछ इमेजेस कैच की गई हैं और इसीलिए खबरों में ये रहा न्यूज, ठीक है। अप्रैल में बेसिकली इसी साल अप्रैल में इनकी जो है, इन कॉमेट्स की जो है इमेजेस कुछ क्लिक की गई, जिसकी बाद पता चला, और बहुत ही ब्यूटीफुल इसलिए लगते हैं कि एक ही ग्रुप में ये होते हैं और ऐसे लगता है कि बारिश हो रही है स्टार्स की, ठीक है, इस प्रकार से कुछ व्यू रहता है। चलिए स्टूडेंट्स, 41,
सी गार्डियन ड्रोन्स विच वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली वर ऑब्टेन फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए इजराइल, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी यूनाइटेड किंगडम, डी फ्रांस. क्वेश्चन नंबर 41 स्टूडेंट्स. स्वाति यूके बता रही हैं भाई. सी गार्डन ड्रोन्स. राजेंद्र यूएसए बता रहे हैं. आंसर करें स्टूडेंट, सभी आंसर करेंगे तभी मजा आता है सेशन का. नेहा ठाकुर, अजय, गौरव पहाड़ी यूके बता रहे हैं. चलिए, सो सी गार्डन ड्रोन्स है स्टूडेंट, यूके का ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके ड्रोन्स है, खबरों में अभी रहा है. तो ये अनमेंट ड्रोन्स आप जानते हैं कि यूएवीज ही होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस फर्म जेनेटिक एटॉमिक्स, ठीक है. और द इंडियन नेवी हैज टेकन दो ऐसे सी गार्डन ड्रोन जो हैं अमेरिका से डिफेंस कंपनी से लिए हैं बेसिकली, ठीक है. तो खबरों में इसीलिए रहा इंडिया के कंटेक्स्ट में. ठीक है स्टूडेंट, एक मैं सवाल देख लूं, मुझे लग रहा है हाँ ये यूके नहीं है स्टूडेंट, यूएस है, ठीक है, शायद मैं गलत बोल गया, बी सही आंसर ही है. हाँ ठीक है चले. सो 42 जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज? ऑप्शन ए पर्यावरण पोर्टल, भूमि पोर्टल, इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल एंड दिल्ली पॉल्यूशन पोर्टल. हाँ जी स्टूडेंट, काइंडली आंसर. बहुत ही फाइन इनिशिएटिव है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है. कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, आंसर करेंगे एनवायरमेंट एंड इश्यूज एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित. हाँ जी स्टूडेंट, शानुल राणा यूएसए ही है, बिल्कुल जी, मैं यूके कह गया था बाय मिस्टेक, यूएसए ही है. स्वाति ये पर्यावरण पोर्टल, पहाड़ी ब्लॉग ये, सभी का आंसर यही आ रहा है स्टूडेंट, पर्यावरण पोर्टल है ना, क्योंकि नाम पर्यावरण है तो सही होना चाहिए, पर्यावरण से एनवायरमेंट से संबंधित सवाल है, तुक्का लगा दो. पर हर बार तुक्के सही नहीं लगते. सी इज द राइट आंसर, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल इज द राइट आंसर, ठीक है. सो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं प्रकाश जावेड़कर जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को, ठीक है. और इसके तहत स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो भी जितने भी बेसिकली क्लाइमेट चेंज प्रभावित या एनवायरमेंट हैजर्ड से संबंधित खबरें हैं, इश्यूज हैं, उनकी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी, मुहैया कराई जाएगी. या कहीं पर आने वाले समय में कोई डिजास्टर होने वाला है, उसकी जानकारी भी पॉसिबिलिटी है इस नॉलेज पोर्टल के माध्यम से दी जाए. ये भी फ्यूचर में इसे ऐड किया जाएगा, बट फिलहाल ये है कि एक नॉलेज पोर्टल है, लेकिन एनवायरमेंट से संबंधित या जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनकी जानकारी, जैसे अभी किन्नौर में हुआ था या धर्मशाला में हुआ था, तो इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं भी जो है इन हैजर्ड्स की जानकारी प्राप्त कर सकता है. पॉइंट इज क्लियर. चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे. विच पीएसयू हैज डिलीवर्ड अ क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो? हेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, हेल. काइंडली आंसर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 43. पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. हाँ जी स्टूडेंट आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है. हेल स्वाति बता रही हैं. प्रतिभा चौहान डी बता रही हैं, हेल. बाकी भी आंसर करें स्टूडेंट, सभी का आंसर डी आ रहा है एक्सेप्ट अभिषेक शर्मा का, सी है ओएनजीसी. स्टूडेंट डी बिल्कुल सही है, एचएएल, हेल जो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है. तो बेसिकली इन्होंने डिलीवर किया है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक. क्रायोजेनिक टेक्निक देखिए भारत ने खुद बना ली है, ठीक है, और अब लगातार इस पर काम किया जा रहा है, नई नई इसमें इन्वेंशन हो रही है, स्पेशली
जो हमारे रॉकेट लॉन्चिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक समय था वी वर डिमांडिंग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएस, रशिया, काफी साल यूएस ने लटकाया हमें, देन मना कर दिया, रशिया ने भी हामी भर दी, ठीक है, और बाद में उन्होंने भी काफी समय जो है आनाकानी की, एंड देन फाइनली अराउंड आई थिंक 2011-10 के आसपास जो है हमने खुद ही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर लिया, ठीक है। नाउ इट इज हेल्पिंग अस अ लॉट हमारे स्पेस मिशंस में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, अ मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट कॉल्ड कमिटी ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पोस्टल ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन सर्विसेज एंड टूल्स, ठीक है, COS पोस्ट इसको नाम दिया गया है, इज अ ज्वाइंटली लेड बाय इसरो एंड इसरो के साथ, और कौन इसको लीड कर रहा है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए सबसे अग्रणी जो सबसे आगे स्पेस टेक्नोलॉजी में रहा है ना, वो लंबे समय से रशिया ही रहा, ठीक है, अभी कुछ समय में यूएस लीड कर रहा है, बट रशिया डोमिनेट किया है तकरीबन 30-40 साल, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 90s तक लीड किया रशिया ने, उसके बाद जो था जो यूएस है बहुत तेजी से आगे बढ़ गया, एंड देन चाइना हमें अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो 44 का डी बता रहे हैं, गौरव, राजेंद्र, स्वाति, नेहा, शीतल, पहाड़ी ब्लॉग, अभिषेक शर्मा, AST फिटनेस, सभी का आंसर स्टूडेंट जो है, एक अभिषेक शर्मा का आंसर अलग है, ए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सभी का नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो कि सही भी है। सो बेसिकली स्टूडेंट ये मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है, और एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लाइट जो है डिफरेंट एप्लीकेशन सर्विसेज टूल्स जो है लॉन्च किए जाएंगे इसके माध्यम से, बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है ये, एंड इसमें कोलैबोरेट करेंगे डिफरेंट नेशंस के साइंटिस्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नासा द्वारा या ESA द्वारा या जाक्सा द्वारा ही से लॉन्च किया जा रहा है, ये एक कह सकते हैं एक बहुत से साइंटिस्ट इसमें पार्टिसिपेशन अपना देंगे डिफरेंट नेशंस का, और इसका जो थीम है बेसिकली वो है डिजास्टर मैनेजमेंट या आपके कोस्टल रेजिलियंस अमंग कॉन्टिनेंटल शोर लाइन्स, ठीक है, जितने भी आपके शोर लाइन्स हैं उनका सर्विलेंस करना, उनका डाटा कलेक्ट करना, कोई डिजास्टर से संबंधित समस्या है, एनवायरमेंट हैजर्ड से संबंधित, कोस्टल लाइन में समस्या है, उनकी जानकारी मुहैया करा, ठीक है, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। चलिए, और इसमें तकरीबन 17 डेजिग्नेटेड यूएन जो मेंबर्स हैं पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, द डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च रिसेंटली बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड ऑप्शन ए व्हाट्सएप, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर। मिथाली शर्मा, लवली गर्ग भी बता रहे हैं गूगल, राजेंद्र सी बता रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, अजय बी, मिक्स आंसर है, BNC स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल ही आंसर आ रहा है आपका, लेकिन ए स्टूडेंट व्हाट्सएप इज द राइट आंसर, ठीक है, तुक्के नहीं लगाने हैं, कोई बात नहीं, जब नहीं आता तो तुक्का ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड व्हाट्सएप ने अलाउंस किया है, अलाइंस बना के डिजिटल स्किल जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया जा सके, ताकि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को डिफरेंट इनिशिएटिव्स के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च कर रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी प्रमोट कर रही है, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को डिजिटली कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो इस पर बेसिकली कोलैबोरेट किया है व्हाट्सएप के साथ, व्हाट्सएप डिजिटल स्किल अकेडमी एंड प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, ठीक है, और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ट्रेनिंग सेशंस, इनका कोलैबोरेशन है जो ऑनलाइन स्किल्स प्रमोट करेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट की कैटेगरी में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द एब्रिवेशन ऑफ ई विन दैट वाज सीन न्यूज इन रिसेंटली, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क, इमरजेंसी वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंटेलिजेंस नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेंटरी इंटेलिजेंस नेटवर्क। Kindly answer students.
अभिमन्यु पूछ रहे हैं जी कट ऑफ कितना जाता है। अभिमन्यु जी अभी फोकस करें जो हमारा सेशन है, ठीक है। ऐसे सवाल जो भी आपके रहते हैं ये आफ्टर द सेशन यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट राइट नाउ जस्ट फोकस इन द सेशन। सो ए बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस नेटवर्क, हाँ जी स्टूडेंट्स, ए सभी का आंसर आ रहा है, स्वाति का सी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड, सो बेसिकली ये सभी का आंसर जिनका ए है वो सही है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, अभी तो चेंज हो गए, पहले हर्षवर्धन सिंह थे तब ये लॉन्च हुआ था, तो ये इनिशिएटिव उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था जिसके माध्यम से वास्ट लेवल पर, ठीक है, वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएंगी और इस इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से सर्विलेंस किया जाएगा कि सभी एरियाज में जो है सही प्रकार से वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, सभी एरियाज में इवन इवन इन रिमोट एरियाज वैक्सीन पहुंच रही है कि नहीं, डिलीवरी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, किन एरियाज में शॉर्टेज हो रही है वैक्सीन की, ठीक है, या मिसयूज तो नहीं हो रहा, ये तमाम चीजें जो हैं इनका सर्विलेंस करने की जिम्मेदारी होगी इस ईवेन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, तो ये नेटवर्क बिल्ड किया गया। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47, विच आर्म्ड फोर्स हैज डेवलप अ मैसेजिंग एप्लीकेशन नेम्ड सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साय, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्टल गार्ड, हां जी स्टूडेंट्स, सिक्योरिंग एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, ये बेसिकली एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है साय या सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, सो काइंडली आंसर स्टूडेंट्स। सो बी आंसर कर रहे हैं आप सभी, बी ही आंसर है, इंडियन नेवी इज द सॉरी इंडियन आर्मी इज द राइट आंसर। सो अभी रिसेंटली जो है एक अलग से ऐप लॉन्च किया गया है ताकि जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं उनको एक कह सकते हैं वॉइस मैसेजेस करने हैं, कॉलिंग करनी है, ठीक है, वीडियो चैट करने हैं, वो उनकी सिक्योर रहे, तो एक एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म अलग से जो है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, अभी आर्मी के लिए ही ये मुहैया कराया गया है, तो बहुत ही फाइन, ये हम कह सकते हैं एक अल्टरनेटिव के तौर पे निकल के आया है, ठीक है, ताकि सिक्योरिटी, देखिए आर्म्ड पर्सन को सिक्योरिटी चाहिए, उनके जो प्राइवेसी है वो भी इंपॉर्टेंट होती है इन कंपेरिजन टू अदर्स, तो कहीं ना कहीं इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सिक्योर एप्लीकेशन बनाया गया। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू यूज रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू डिसइंफेक्ट एयरक्राफ्ट इंटीरियर्स, विस्तारा, एयर इंडियन एक्सप्रेस, स्पाइसजेट, इंडिगो, इंडियन आर्मी स्टूडेंट बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 48, पहली एयरलाइन कौन सी बन गई जिसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है डिसइंफेक्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट के इंटीरियर को, सो ए बता रहे हैं विस्तारा, स्वाति बी बता रही है नॉटपिन, डी इंडिगो, स्पाइस जेट, सभी का मिक्स आंसर है स्टूडेंट, ठीक है, एयरलाइंस जो एक्सप्रेस है उसके द्वारा ये इनिशिएटिव दिया गया है, पहला इस प्रकार का ये रोबोटिक इनिशिएटिव है, ठीक है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिससे क्लीनली, बहुत ही क्लीन है, नीट एंड टाइडी डिसइंफेक्ट किया जाएगा जो इंटीरियर्स होते हैं उनको, ठीक है। इसमें बेसिकली स्टूडेंट यूवी डिसइंफेक्शन लैंपिक सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। चलिए स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, इसरो हैज पार्टनर विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूजिंग सैटेलाइट डाटा, ऑप्शन ए यूएसए, बी जापान, सी फ्रांस, डी रशिया, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूजिंग सैटेलाइट डाटा, किस देश के साथ इसरो ने पार्टनरशिप की है, क्वेश्चन नंबर 49 स्टूडेंट्स, सो ए आंसर आ रहा है परीक्षित, स्वाति, लवली, अजय, शीतल, नेहा, साहिल, सभी का आंसर ए ही है, शीतल का आंसर सी है, गौरव जापान बता रहे हैं बी, तो स्टूडेंट ये बेसिकली जापान के साथ कोलैबोरेशन रहा इंडिया का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जाक्सा का, ठीक है,
इसमें इन्होंने जो एयर क्वालिटी है मॉनिटरिंग करने की बात की है राइस क्रॉप एरियाज में स्पेशली। आप हम सभी जानते हैं राइस क्रॉप एरिया के बाद जो है आपकी बर्न की जाती है, ठीक है, जिसको हम पराल भी कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, उसको बर्न किया जाता है जिसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन होता है। तो स्पेशली इन्हीं एरियाज में जो है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेटेलाइट्स के माध्यम से जांचा जाएगा। भारत में ये समस्या बहुत ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, सो इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ रिव्यू किया जाएगा ऑनगोइंग कॉपरेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, लूनर कॉपरेशन एंड सेटेलाइट नेविगेशन, इन पर भी बातचीत की अभी सेशन हुआ है, ठीक है, इसरो और जैक्सा के बीच में। और दोनों ही जो आपके देश हैं, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने आने वाले समय में मिलकर काम करने पर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। दैट हम जो है ज्वाइंट सेशंस भी करेंगे फर्दर, कोई स्पेस एक्सप्लोरेशन के कंटेक्स्ट में कोई मिशन हम करेंगे जिसमें हम मिलकर काम करेंगे, ठीक है। ये भी इन्होंने जो है कमिटमेंट एक दूसरे को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्च अ ब्रांड न्यू एडटेक इनिशिएटिव फॉर 1 मिलियन अंडर प्रिविलेज स्कूल गोइंग यंगस्टर्स थ्रू आउट इंडिया। ऑप्शन ए गिव इंडिया, बी गूंज, सी सेव द चिल्ड्रन इंडिया एंड डी टीच फॉर इंडिया। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, काइंडली आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ब्रांड न्यू एडटेक इनिशिएटिव जिसमें तकरीबन 1 बिलियन अंडर प्लेज प्रिविलेज बच्चों को कवर किया जाएगा। सो क्या है नाम इसका? गूंज बता रहे हैं भाई, देवाशीष चौहान, साहिल, गौरव, सभी का आंसर है राजेंद्र का डी है, टीच फॉर इंडिया। चल सो स्टूडेंट्स, ए गिव इंडिया इज द राइट आंसर, ठीक है, सभी का आंसर गलत था। सो ये बेंगलुरु बेस्ड बेसिकली एक गिव इंडिया है, बेसिकली लॉन्च किया, एक ब्रांड लॉन्च किया गया है जो कि एडटेक कि भाई एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव कैसे लिया जा सकता है, ठीक है। तो तकरीबन 1 बिलियन जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हैं उनको इसमें रखा जाएगा, उनको प्रोवाइड आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा कैसे ग्रहण करनी है, ठीक है। स्पेशली टारगेट किया जाएगा जो लो इनकम कम्युनिटीज हैं उनको टारगेट किया जाएगा, जो स्पेशली इस कोविड पीरियड में और ज्यादा सफर की हैं उनको टारगेट किया जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, चलिए तो हियर वी कंप्लीट, इस सेशन को आज हम यही खत्म करेंगे। कल इसी समय नेक्स्ट सेशन के साथ हाजिर होंगे, आपने डेली हमारा ये सेशन जरूर अटेंड करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल, पीडीएफ आपको मिलेगा, डेली हम पीडीएफ जरूर शेयर करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ा सा समय आपको पीडीएफ मतलब 15-20 मिनट का समय लगेगा आफ्टर द सेशन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में आपको उपलब्ध हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहें स्टूडेंट फॉर मोर अपडेशन टू। सो हियर वी कंप्लीट टुडे, थैंक यू वेरी मच, एंड जो भी इंटरप्शन हुआ उसके लिए हमारी तरफ से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, बट आपको थोड़ा सफर होना पड़ा आज सेशन में, इट्स ऑल राइट, वी अंडरस्टैंड द पेन। चलिए,